यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डिक्टेशन का अभ्यास करें। डिक्टेशन शुरू होता है 5 सेकंड में। रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, हम यह समझें कि किसी तरह का चीन का दबाव इस सरकार पर पड़ रहा है, जिसने सरकार के सोचने के ढंग में परिवर्तन कर दिया है। मैं गृह मंत्री से विशेष रूप से यह कहना चाहता हूँ कि सरदार पटेल जिस जगह पर बैठे थे, आज आप उसी जगह पर बैठे हुए हैं और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा का भार आपके कंधों पर है। इस प्रकार के प्रकाशन सरकार की दुर्बलता के सूचक हैं। दूसरी बात, मैं सांप्रदायिक दंगों के संबंध में कहना चाहता हूँ। इस सांप्रदायिक दंगों से निश्चय ही हमारे देश की जो आंतरिक स्थिति है वह बिगड़ती जा रही है। दुनिया के दूसरे देशों में हमारा देश बदनाम हो रहा है। सबसे पहले मैं गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि अब जितने सांप्रदायिक दंगे हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद हुए, गृह मंत्रालय इस बात की जानकारी ले कि इनका प्रारंभ कहाँ से होता है और कौन उनको प्रारंभ करता है। अगर इस देश का बहुमत उनको प्रारंभ करता है, तब तो मेरा कहना यह है कि बड़ी कड़ाई के साथ उन पर काबू किया जाना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे लोगों की तरफ से प्रारंभ होता है, तो मैं समझता हूँ कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। जब वे जानते हैं कि इसका परिणाम यह होगा कि हमको और हमारे दूसरे सहयोगियों को चोट लग सकती है, फिर भी वे इसका प्रारंभ करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई तीसरी शक्ति जरूर है जो आज भी 44 वर्ष के बाद हमारे सामाजिक जीवन को दुखी बनाना चाहती है। उदाहरण के लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। पहले गृह मंत्रालय जब अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता था, तब उसमें बतलाया जाता था कि हमारे देश में दुनिया के किस किस देश के कितने नागरिक रह रहे हैं। लेकिन अब शायद जानबूझकर गृह मंत्रालय ने अपनी कमी को छिपाने के लिए इन आंकड़ों को देना बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी प्रश्नों के उत्तर में कभी कभी कुछ इस प्रकार के आंकड़े सामने आते हैं। अभी हाल में जब यहाँ पूछा गया कि हमारे देश में पाकिस्तान के कितने नागरिक ऐसे हैं जो पासपोर्ट लेकर रह रहे हैं, तब उत्तर में 27 फरवरी को सरकार ने बतलाया कि इस समय पासपोर्ट के आधार पर जो पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे हैं, उनकी संख्या 217,000 है। जब यह पूछा गया कि ऐसे कितने हैं कि जिनके पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन फिर भी यहाँ रह रहे हैं, तो उत्तर में इन्होंने बतलाया कि 11,000 हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपना बिल सदन के सामने विचार के लिए रखना चाहता हूँ। मैंने इस बिल में एक बात कही है कि जो विदेशी धन गलत तरीके से हमारे देश में आता है, उसके ऊपर कोई कड़ी निगरानी
होनी चाहिए। मैंने इस बिल में यह भी कहा है कि कोई भी पार्टी, कोई भी संस्था, कोई भी आदमी अगर विदेशों से धन लेता है तो उसकी सूचना तुरंत सरकार को दी जानी चाहिए। उस आदमी या उस संस्था के लिए यह भी अनिवार्य हो कि उस रकम का पूरी तरह से हिसाब रखे और एक साल के बाद उस रकम के खर्च का पूरा हिसाब सरकार के पास भेजे, ताकि सरकार को मालूम हो सके कि कितना धन विदेशों से आया तथा वह किस प्रकार खर्च हुआ। इस सदन में इस संबंध में अनेक बार बहस हो चुकी है। स्वयं गृह मंत्री जी ने यहाँ कहा था कि वह इसके संबंध में एक बिल सदन में लाएंगे, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2.5 साल बीत जाने के बाद भी आज तक वह बिल सदन में नहीं आया। आज अगर कोई यह कहे कि मैंने यह पैसा अमेरिका से लिया है या चीन से लिया है या रूस से लिया है तो उसके ऊपर आज कोई भी मुकदमा नहीं चल सकता। आज हमारे देश में कोई कानून ऐसा नहीं है जो इस चीज पर प्रतिबंध लगा सकता हो। आज 4 बड़े बड़े देश हैं जहां से हमारे देश में पैसा आता है। कुछ पैसा अमेरिका से आता है, कुछ रूस से आता है, कुछ चीन से आता है और कुछ पाकिस्तान से आता है। इस प्रकार का धन हमारे देश में कितना फैला है, अगर इसकी ओर आप ध्यान देंगे तो एक चिंताजनक स्थिति आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि एक दिन हमारे देश की सुरक्षा, प्रजातंत्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। विदेशी सेना हमारे देश पर आक्रमण न कर सके, इस बात की चिंता तो हमारी सरकार करती है, लेकिन विदेशी धन की कोई चिंता यह सरकार नहीं कर रही है। आज चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चारों तरफ विदेशी धन के जरिए बाहर के लोग हमारा गला घोंटने के लिए तैयार बैठे हैं। आप बड़े बड़े शहरों में जाएं तो पता चलेगा। अध्यक्ष महोदय पैसा देकर लोगों को जासूस बनाया जा रहा है। सीमा क्षेत्र में जाएं या पिछड़े क्षेत्रों में जाएं, चारों तरफ विदेशी पैसे के बल पर हमारे देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गिरजा घरों में, मंदिरों में, मस्जिदों में विदेशी पैसे के बल पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश हो रही है। यह समस्या एक किसी पार्टी की नहीं है, यह राष्ट्र की समस्या है। आज सदन में वित्त मंत्रालय की मांगों पर